नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं रायपुर के वी केयर हॉस्पिटल पे, जहां पास आरंग क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गगनदीप टंडन का, जिसके स्कूल में ध्वजारोहण में जो स्टैंड होता है उसको ऊपर उठाते वक्त 11,000 वोल्टेज के हाई टेंशन तार टकराने के कारण से राइट हैंड और आधा शरीर लगभग जख्मी हो चुका, जिसमें उसके राइट हैंड को काटना पड़ा। उसी को लेकर आज स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष खांडेकर जी की आई हम बात करते हैं स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष खांडेकर जी से। सर, आज जो बच्चों का जो आरंग क्षेत्र में जो गगनदीप जी के साथ जो घटना हुआ है, जिसके समर्थन में आप लोगों यहाँ पास पहुँचे, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये गगनदीप जो छात्र हैं कक्षा 8वीं के हैं और पिता ज्ञानेश टंडन जी, ये फरहत इस बच्चे को बहुत आर्थिक क्षति हुआ है और उनका गहन चिकित्सा इलाज वी केयर हॉस्पिटल सुपर मल्टी अस्पताल तेलीबांधा में चल रहे हैं। मैं इस संबंध में संबंधित अधिकारी, चाहे उस प्रधान पाठक हो, विकासखंड शिक्षा अधिकारी हो, जिला शिक्षा अधिकारी या संबंधित शिक्षा मंत्री, प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री से, खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं जो गरीबों का दुख दर्द समझते हैं, मैं उनसे गुहार लगाता हूं। संगठन के मुखिया के नाते होते उनके परिवार की हर सुख दुख संवेदना में मैं सफाई कर्मचारी परिवार के साथ खड़ा हूं। सरकार से मांग करता हूं माननीय भूपेश बघेल से कि आर्थिक क्षति और उनके इलाज के लिए तत्काल 10 लाख रुपया स्वेच्छा अनुदान से उनको तत्काल मदद करे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संबंधित जो शिक्षा मंत्री विभाग का, उनसे भी मांग करता हूँ कि तत्काल 5 लाख रुपया आर्थिक अनुदान प्राप्त उनको आर्थिक सहायता प्रदान करे और न्याय उनको तत्काल मिलना चाहिए। उनका भरण पोषण जीवन भर चलेगा, क्योंकि मैं देख के आया हूँ बच्चे का गहन चिकित्सा इलाज चल रहा है, एक हाथ उनका यहाँ से अलग कर दिया गया है। और खास करके माननीय TSC देश स्वास्थ्य मंत्री से मांग करता हूँ कि कृत्रिम जो आता है हाथ, उनका जो इलाज है अपने फंड से तत्काल उनको आर्थिक मदद करे और इनके परिवार के जीवन उपार्जन अच्छे से चल सके, इसके लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करे। हो सकता है कि बच्चे की इलाज बहुत लंबा तक चल सकते हैं, इसलिए आज हम आर्थिक मदद और बच्चे को देखने के लिए आए थे संघ की ओर से। मैं बार बार गुजारिश करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले और तत्काल इस परिवार को आर्थिक मदद करे और संबंधित विभाग के खिलाफ में उचित से उचित कार्रवाई होना चाहिए, ताकि इस तरह का की गंभीर घटना दोबारा ना घटे। थाना में इसकी शिकायत किया गया आरंग क्षेत्र थाना में, तो पुलिस प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? जी, संबंधित वहाँ के TI मैडम राजपूत मैडम जी हैं, उनके द्वारा आश्वासन हमारे परिवार को दिया गया है कि उचित से उचित आर्थिक सहयोग और जितना हो सके उनको। आज बिजली विभाग के अधिकारी भी मुआयना करने हॉस्पिटल आए थे। हम चाहते हैं कि संबंधित विद्युत विभाग के अधिकारी हमारे साथ खड़े रहे और हमारे परिवार को अच्छा से न्याय दे, ताकि उनका परिवार का भरण पोषण हो जाए। और बच्चे एक होनहार था, वो चित्रकला में पढ़ने में लिखने में बहुत माहिर था, उनकी पूरा जानकारी गाँवों को और संबंधित प्रधान पाठक सभी शिक्षकों को मालूम है। होनहार छात्र था, खेल में, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा उनको अनुभव था, ये सभी जानते हैं। तो मैं चाहता हूं उनकी कला के प्रतिभा को देखते हुए उनको आने वाले समय में उनके परिवार को अच्छे से आर्थिक मदद मिले, यही जिम्मेदारी है। और उनका जितना भी पढ़ाई लिखाई हो सके उनको फ्री में होना चाहिए। हम बात करते हैं समर्थन देने के लिए आई रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे जी से। मैडम, क्या कहना, इतनी मार्मिक घटना हो गया 26 जनवरी भारत के गणतंत्र दिवस के दिन, जहाँ बच्चे का राइट हैंड को काटना पड़ा, क्या कहेंगे आप? ये बहुत दुखद घटना है। मैं मतलब सभी हमारे रसोईया संघ बहनी हमारे रसोईया दीदी के साथ खड़े हैं और कंधा से कंधा मिला के हर दुख और सुख में खड़े हमें और साथ में जो शिक्षा मंत्री है TSD वह ध्यान में रहे, प्रेम सिंह टेकाम जी से ध्यान में रहा है, स्वास्थ्य विभाग के जो है मंत्री जी ओहला में बोलना चाहता हूँ, BODO ला बोलना चाहता हूँ। ये जो दुखद घटना है, इस तरह की घटना एक बार और हो चुके हैं महासमुंद जिला में। आप एक और हादसा हो रही सवाल जिसमें एक बच्ची के खत्म हुए हैं, फिर से यही हादसा फिर हुआ थे। कम से कम शासन प्रशासन ये चीज में ध्यान देवाए कि ऐसे ही हमारे बच्चा मन दुखद घटना के शिकार हुआ थी। मेरे बच्चे की स्थिति बहुत ही दयनीय है, उनके लेफ्ट हैंड को कल ऑपरेशन द्वारा काट के निकाला गया है। मैं तो यदि भारतीय संविधान में ये कानून होता कि हाथ के बदले हाथ मांगा जाए, तो मैं तो पहले हाथ ही मांगता। ये कानून नहीं भारतीय संविधान में, इसलिए मैं अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए 50 लाख मुआवजे के रूप में सरकार से मांग रखता हूँ, ताकि आने वाले समय में मेरे बच्चे कुछ भी भविष्य में या रोजगार करे या कुछ भी करे, उनके बेहतर भविष्य के लिए मैं कम से कम 50 लाख रुपये की मुआवजे के रूप में माननीय मंत्री जी से मांग कर, भूपेश बघेल जी से। मेरा बच्चे का सपना था IAS बन करना, वो तो सपना ऐसे ही अधूरा रह गया। अब क्या कर सकता है, 17 दिन के लिए मेरे बच्चे विकलांग हो गया।
जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि गगनदीप टंडन जी का स्कूल प्रशासन के अंदर में, जी हाँ स्कूल के अंदर में ध्वजारोहण के दिन 26 जनवरी के दिन में एक दुर्घटना हो गया है, जिसके कारण से उसके राइट हैंड एकदम डैमेज हो चुका है, जिसको काटना पड़ा था। वही पास समर्थन देने के लिए छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष खांडेकर जी एवं रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे जी यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुँची हुई है, जो बच्चों का हाल चल जाना और मदद करने का पूरी तरह से आश्वासन दिया। वही पास पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज कर लिया। देखना है कि आने वाले समय में और किन किन धारा के साथ और किनकी गिरफ्तारी करता है। बने रही है न्यूज़ CG24 और न्यूज़ 72 में। धन्यवाद।